अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज किस वीडियो का टॉपिक? वजीज में कामन सी बीमारी जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है, वो लूज़ मोशन की है। आज की वीडियो में मैं आपको लूज़ मोशन से बचने के लिए कुछ बातें बताऊँगा, और लूज़ मोशन अगर आपके पास को हो जाते हैं तो आपके कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लूज़ मोशन होते क्यों हैं। जब आप अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ग्रीन सब्जी यानी कि पालक या लूसन प्रोवाइड करते हैं, आए दिन ही उन्हें पालक दे देते हैं, इसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुवात होती है बर्ड्स की। इससे बचने का तरीका ये है कि आप हफ्ते में एक या दो बार इससे ज़्यादा कोई भी पालक या लूसन या ऐसी चीज़ें ना डालें, हफ्ते में एक या दो बार डाल दें ताकि आपके बर्ड तंदुरुस्त भी रहें और ब्रीड भी अच्छी कर सकें। पहले बात करते हैं कि आपके बर्ड्स को अगर लूज मोशन हो गए हैं तो आपको किस तरह मालूम होगा कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन हो गए हैं। अगर आपके बर्ड को किसी को लूज मोशन हो गए हैं तो वो बहुत कमज़ोर सा पर खिला के बैठा होगा पिंजरे की एक साइड पर। ये आप देख सकते हैं, मेरा ये बर्ड काफ़ी बीमार है, इसको मैं हैंड फीड करवाऊँगा प्लेजर के साथ, प्लेजर में डालकर। जब आपके बर्ड को लूज मोशन हो जाते हैं वो पिंजरे की एक साइड पर बैठा होता है, कुछ भी खा पी नहीं होता, जिसकी वजह से वो और कमज़ोर होकर मर जाता है। मोशन के लिए कामन सी जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो फ्लैजल है, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड मेरा काफ़ी बीमार है, इसको मैं अभी वो करवाऊँगा हैंड फीड ताकि ये मर ना जाए। इसे भी लूज मोशन हुए हैं, लूज मोशन की वजह से इनके जिस्म के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और मर जाते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह ट्रीट करवानी है, किस तरह मेडिसिन तैयार करवानी है। ये आप देख रहे होंगे, ये मेडिसिन पड़ी है फ्लैजल जो के इस्तेमाल की जाती है लूज मोशन के होने पर। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये रही ये मेडिसिन। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन हो गए हैं तो आप ये इस्तेमाल करें, इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। फ्लैजल दो में आता है, एक सिरप में भी आता है, इंजेक्शन में भी। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो वो फ्लैजल सिरप के अंदर आता है वो अच्छा है। आपको करना ये है कि हैंड फीड तैयार करनी है, हैंड फीड के अंदर दो या तीन कतरे इसके डाल के अपने बर्ड को प्रोवाइड कर देने हैं, हैंड फीड करवा देनी है, ताकि जब वो बर्ड इसको खाएगा इससे दो काम होंगे, एक तो उसके लूज मोशन जो होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उसको भूख में भी इजाफा होगा। अगर आपको हैंड फीड करवाने नहीं आती, अभी आप नए नए काम में आए हैं, तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है हैंड फीड करवाने की वीडियो, वो आप देख सकते हैं।